हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा आप कैसे आपके वेबसाइट में जो हेडर मेनू होते हैं या टॉप मेनू, इसको आप कैसे लगा सकते हो। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, मेनू को क्रिएट करने के लिए पहले आपको वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में आने पड़ेगा। देख सकते हैं इस वेबसाइट को मैंने बनाया था, तो इस पे देख सकते हैं कोई भी मेनू नहीं है। ऊपर में जो होम क्रिएट, ये जो वेबसाइट मैंने पिछली बार बनाया था, इस वेबसाइट को डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें होम, वे ऑफ अर्निंग, आवर सर्विस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो पेज का मेनू है, इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसको बनाना बहुत इजी है। तो चलिए देख सकते हैं डैशबोर्ड में आने के बाद इस साइड में जो अपीयरेंस का ऑप्शन है, अपीयरेंस, इसी के उसके बाद जो कस्टमाइज विजिट मेनूज हेडर मेनूज का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। करने के बाद एक खुल रहा है पेज, देख सकते हैं खुल गया है। तो इसमें क्रिएट न्यू मेनू, ये जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेनू आएगा पहले आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो क्रिएट मेनू पे क्लिक करने के बाद मेनू का नाम जो आप रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने टॉप मेनू रख देता हूँ, जो ऊपर में रहेगा उसको टॉप मेनू कहते हैं और नीचे जो है उसको फुटर कहते हैं। तो क्रिएट मेनू पे क्लिक करिए, देख सकते हैं मेनू क्रिएट हो गया है, पर इसमें कोई भी फोल्डर नहीं है। तो फोल्डर को बनाने के लिए आपको पहले कैटेगरीज पे जाना पड़ेगा। तो कैटेगरीज अन कैटेगरीज में है एक ही ऑप्शन। तो कैटेगरीज बनाने के लिए आपको पोस्ट साइड में जो पोस्ट का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इस पर कैटेगरीज एक ऑप्शन है, इसको सेकेंड टैब में खोल लीजिए। देख सकते हैं कैटेगरीज खुल गया है। उसके बाद आप इसमें न्यू कैटेगरी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो अन कैटेगरीज है, इसको आप रीनेम करके होम रख सकते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप पोस्ट करेंगे तो अन कैटेगरीज में आ जाएगा। तो आप इसको एडिट करके होम रख दीजिए। रखने के बाद अपडेट पे क्लिक करिए। तो ये आपका होम मेनू है। उसके बाद सेकेंड जो कैटेगरी आप क्रिएट करेंगे वो है, जैसे कि आप जो जो सर्विस आपके वेबसाइट में आप प्रोवाइड कराते हैं, आप ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, वो भी रख सकते हैं। तो होम को सिलेक्ट करिए और ऐड टू मेनू पे क्लिक करिए। देख सकते हैं ये कैटेगरीज में आ गया है। और इसमें सेकेंड जो कैटेगरी आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो है, आप बैक कर दीजिए पहले, देख सकते हैं न्यू कैटेगरीज। फिर से आप जो सर्विस आपके ब्लॉग में आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई भी ब्लॉग्स है, माई वर्किंग, जैसे कि मैं ये दे देता हूँ, उसके बाद नान पे रहने दीजिए पेरेंट कैटेगरी को और ऐड न्यू कैटेगरीज पे सिलेक्ट करिए। देख सकते हैं माई वर्क आ गया है इसके नीचे। तो आगे पीछे नहीं होगा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। उसको सेट करने के लिए अलग ऑप्शन है, जैसे कि मैं दूसरी पेज देता हूँ, अबाउट अस। अबाउट अस आपके गूगल एडसेंस के लिए ज़रूरी है, नहीं तो अप्रूवल नहीं देगा। और प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी ज़रूरी है। तो ये पेज, दो पेज आपको देना कंपलसरी है। तो डिस्क्लेमर पेज भी आप दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप, मैंने चार मेनू क्रिएट कर लिए हैं, पांचों मेनू। तो उसके बाद मैं उसी जगह में आ जाऊंगा। और भी एक मेनू है डोमेन, जैसे कि मैं सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हूँ, सब मेनू क्रिएट करना चाहता हूँ। तो डोमेन मैंने क्रिएट करा, उसके बाद इस पे और काम नहीं है, उसको आप क्लोज करिए। उसके बाद आप जो जगह पहले दिखा था उसको रीलोड करिए। रीलोड करने के बाद नीचे जो कैटेगरीज का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कैटेगरीज, इस पे व्यू ऑल इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करिए। करने के बाद देख सकते हैं जो भी मेनू आपने क्रिएट करा है, सारी चीज़ यहाँ पे आ गया है। सभी को आप सिलेक्ट करिए और ऐड टू मेनू पे क्लिक करिए। देख सकते हैं सारी चीज़ आ गया है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक एक करके ऊपर ले सकते हैं।
पहले नंबर पे होम आएगा, उसके बाद आप आपका सर्विस दे सकते हैं, जैसे कि मैं माई वर्क दे देता हूँ। अबाउट अस आगे रखना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो मैंने आगे ही रखा। तो इसी तरह मैं क्रिएट करूँगा, तो डोमेन को मैंने सब डोमेन हिसाब से रखूँगा। तो इसको ड्रैग करके जिसके नीचे आप रखना चाहते हैं उसके नीचे रख दीजिए, बस सेट हो गया। देख सकते हैं ऊपर में होस्टेड होस्टिंग और नीचे डोमेन, ये रखना चाहता हूँ, और सेव पे क्लिक करिए। उसके बाद सेव मेनू जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करिए, देख सकते हैं अभी तक नहीं आए, इसको आप रिफ्रेश करिए, देख सकते हैं अभी तक ये नहीं आए हैं। तो इसको आने के लिए आपका मेनू क्रिएट है पर शो नहीं कर रहा है, इसको कस्टमाइज पे क्लिक करिए, आपके थीम पे जाइए और कस्टमाइज पे क्लिक करिए। देख सकते हैं कस्टमाइजेशन पैनल खुल गया है, आप लाइवली इसको शो करा सकते हो। मेनू पे क्लिक करिए, पहले करने के बाद व्यू ऑल कैटेगरीज और टॉप मेनू जो भी आप क्रिएट करे हो उसको सिलेक्ट करिए। करने के बाद देख सकते हैं नीचे आपका मेनू बार आ गया है और पब्लिश पे क्लिक करिए। आप वेबसाइट आपका लाइव है, जो भी आपका वेबसाइट खुलेगा तो ऐसे मेनू आप दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आप आपके वेबसाइट में टॉप मेनू क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसी तरह वेबसाइट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल बीकॉम डेवलपर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए एंड गुड बाय।